बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, सिविल अस्पताल में कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं सीएम योगी। उसका तीसरा चरण चल रहा है और 45 वर्ष या उससे ज्यादा के लोगों को तीसरे चरण में वैक्सीन लग रही है 1 अप्रैल से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बंगाल से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड 19 को लेकर समीक्षा बैठक की और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए कि संक्रमित मरीजों को एम्बुलेंस और बेड मिलने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जिसकी जिम्मेदारी होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम ने कोविड अस्पतालों में बेड बढ़ाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने कहा कि संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और कोविड हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी बनी रहे। साथ ही ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयों की उपलब्धता भी जरूरत के हिसाब से सुनिश्चित की जाए। कोरोना की बात करें तो उसका कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना से 31 लोगों की जान चली और इसमें 8 लखनऊ के मरीज शामिल। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4164 नए मामले सामने आए और इसमें सबसे ज्यादा लखनऊ के 1129 मामले शामिल। प्रदेश में कोरोना के 19738 मरीज हैं जबकि लखनऊ में 6283 एक्टिव केसेस हो गए। वहीं प्रयागराज में 397, वाराणसी में 453, कानपुर में 235, गोरखपुर में 121, मेरठ में 98 और झांसी में 93 नए मरीज सामने आए। कोरोना का कहर जारी देश में भी और प्रदेश में भी, और सबसे ज्यादा प्रदेश में इसका असर लखनऊ में दिखता है। प्रयागराज में कोरोना का कहीं दिखा नहीं, 500 के करीब पहुंचा यहां पर नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। रविवार के दिन 475 कोरोना के नए मरीज मिले। कोरोना संक्रमित 3 व्यक्तियों की मौत भी हुई। 27 व्यक्तियों ने होम आइसोलेशन पूरा कर लिया है। कुल 5714 लोगों को के जो है सैंपल्स लिए गए। तो 475 नया आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव रविवार के दिन लोग हुए और 3 लोगों की मौत भी हुई। और एक बहुत बड़ी अपडेट आपको दे दें, पहली बार 1 दिन में 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 1 दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इस तरह से देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,25,00,000 के पार चली गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। विवेक यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। विवेक, क्या खबर मिल रही है आपको? जी, मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ जबकि जो कोरोना संक्रमित जो मरीजों की संख्या है वो 1 लाख से ज्यादा पहुंची। अगर वही बात करें तो पिछली बार आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े आए थे 17 सितंबर को जो आंकड़ा था वो मैक्सिमम 97,000 था, लेकिन आज पहली बार जो एक साल में इस 1 लाख के पार जो आंकड़ा वो हुआ है पार हुआ है। और अगर वही बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पे 19,738 टोटल मामले हैं यहाँ पर। तो लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों की तुलना में मरने वालों की संख्या में जरूर घटतौली हुई है, लेकिन जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बहुत धन्यवाद विवेक, बहुत सावधान रहिए। इतना बड़ा फिगर अब तक नहीं, पहली वेव में भी नहीं टच हुआ था राजीव, क्योंकि सेकंड वेव में 1 लाख के पार ही आंकड़ा जा चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप कोविड नियमों का पालन करें।